सर, संख्या लगातार सर बढ़ी हुई हमारे सामने आ रही है सर, कब तक सर कंट्रोल होने की पूरी संभावना है सर? देखिए, संख्या जो बढ़ रही है वो हम लोग सैंपल्स भी बहुत ले रहे हैं, और सैंपल्स के निरंतर हमारी चूंकि लोकल लैब है और उसमें लगातार हम लोग 200 सैंपल पर डे जांच कर रहे हैं, और इसकी क्षमता हम फर्दर बढ़ाने जा रहे हैं। इंदौर की दो लैब से हम लोग और काम कर रहे हैं कि उनमें बहुत जल्दी परीक्षण की उनको अनुमति मिल जाएगी। और सेंट्रल लैब है और अरविंदो की लैब है, अरविंदो की लैब में देखने भी जा रहा हूँ। तो अगर इन लैब से परमिशन मिलती तो हमारी क्षमता लगभग 500 टेस्ट तक भी जाने की संभावना है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें, खासकर उन एरियाज़ में जो कि अभी कंटेनमेंट जोन्स हैं, जहाँ पे एपी सेंटर्स हैं। उन जगहों पे अगर जो भी सिम्टम्स वाले मरीज़ अगर हम पहले निकाल पाएंगे तो निश्चित रूप से उनको सेव लाइफ सेव कर पाएंगे हम लोग उसमें। तो हम लोग इस बात पे नहीं जा रहे हैं कि केसेस कितने निकल रहे हैं, मेन बात ये है कि हम कितनी जल्दी उनको आइडेंटिफाई कर लें और उन एरिया से उनसे फर्दर इन्फेक्शन होने से बचा पाए, इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग को ये अनुमान था कि इस प्रकार से नंबर्स जो आए हैं वो बढ़ेंगे इसमें, और अब आप देखिए ज़्यादातर कई डिस्ट्रिक्ट्स में नंबर्स धीरे धीरे आते जा रहे हैं उसमें। तो हम इसकी पूरी जो उसकी प्रोटोकॉल के हिसाब से जो हमको उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सैंपल स्क्रीनिंग, सैम्पलिंग, सैंपल टेस्टिंग के बाद जो पॉजिटिव आता है उस पर जो प्रोटोकॉल, सब कुछ हम लोग उसमें एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस और जो होना चाहिए उसको कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा कल जो निर्देश आए थे कि 3 लेयर्स के कोविड पॉजिटिव के लिए और सस्पेक्टेड के लिए 3 लेयर स्ट्रक्चर एक बनाया जाए अलग अलग प्रकार के, उसको भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। सर, किराना सामान जो है वो अब लोगों के घरों में ख़त्म हो रहा है, और जो सप्लाई हमने जो जी व्यवस्था बनाई थी वो जिस तरह पहुंचनी चाहिए उस तरह पहुंच नहीं रही है, इसको लेकर क्या कोई देखिए, अभी अगर हम लोग बात करें तो करीब करीब हम लोग 50,000 से अधिक ऑर्डर हम लोग जो है वो डिलीवर कर चुके हैं, 50 से बल्कि 60,000 के करीब ऑर्डर डिलीवर कर चुके हैं, और 88,000 ऑर्डर हमको अभी तक मिले हैं, जो कि हम लोगों ने कचरा वाहनों में जो एक ऑर्डर की प्रक्रिया बनाई थी। इसमें जो बचे हुए हैं लगभग, कल हम अगर बात करें तो कल हमने 15,000 ऑर्डर्स की डिलीवरी की, 2,000 ऑर्डर कैंसिल इसलिए किए गए कि उनको कहीं लगा था कि फ्री में शायद उसका हो रहा है, पेमेंट का बात आने पर उन्होंने कैंसिल किया। इस प्रकार 17,000 को अगर हम करें तो हमने कल केटर किया उसमें, और इस संख्या को चूंकि व्यापारियों की संख्या हमने बढ़ाई है तो संख्या और बढ़ेगी अभी। तो हम प्रयास करेंगे कि इसको जिस दिन के ऑर्डर जो होते हैं उसी सेम डे पे उसको हम लोग डिलीवर कर पाए। इनमें कुछ बैक फीडिंग के भी इश्यूज़ हैं कि इनको थोक व्यापारियों से हमने लिंक तो किया था, लेकिन कहीं पर अगर कुछ सामानों की अगर समस्या आएगी तो उसके लिए अगर दाल मिल या आटा मिल चालू करने का है तो उसके लिए भी हम लोग परमिशन दे रहे हैं ताकि वो भी चीज़ इनको फीड कराए। सर, चुनो गरीब लोग जो सामान की उम्मीद रख रहे हैं और उनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए ज़्यादा बड़ी परेशानी है, क्योंकि नंबर्स जो कॉल सेंटर्स हैं उस पर रिस्पांस बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहा है देखिए, ऐसा मिलना चाहिए। काफ़ी जनता का सहयोग इंदौर की मिला है, जिसमें बने हुए फूड पैकेट और राशन के पैकेट्स भी हम लोग बहुत बड़ी संख्या में बांट रहे हैं इसमें, और उसमें हम लोग टारगेट ऐसी गरीब बस्तियों को ही करने का कर रहे हैं जहाँ पे इस प्रकार की इशूज़ आ रहे हैं। जो सेंटर कॉल सेंटर का नंबर दिया उसमें जो भी कॉल्स आती है हम उनको 100% अटेंड भी कर रहे हैं उसमें, और इसको और प्रयास करेंगे कि ऐसे पैकेट्स को हम लोग और बढ़ा पाए। इसमें अभी शासन ने कुछ जो बेघर और इस प्रकार से कहीं फंसे हुए लोगों के लिए एक अलग से अलॉटमेंट भी जारी किया है, उसको हम ऐसे लोगों के लिए उस अलॉटमेंट को भी यूज़ करेंगे जो अनाज का और राशन का हुआ है उसमें, और इसको पैकेट जो हम डिस्ट्रीब्यूट करें उसकी संख्या को और बढ़ाने का प्रयास करें। सर, चुनौतीपूर्ण दौर में सर शहरवासियों से अपील सर एक देखिए, शहर वासियों से मेरी यही अपील है कि पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, और जो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है उसको घर के अंदर भी फॉलो करें आपस में, और साथ ही साथ लॉकडाउन का पूरा पालन करें उसमें। उसमें होम डिलीवरी के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, और जो भी प्रयास संभव है वो सभी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग इस दिशा में कुछ ट्रेंड ऐसा आए जिसमें हम लोग के कम से कम पॉजिटिव आने की संख्या में कमी आए, ऐसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। थैंक यू सर।